उदे मुताबक एक बंद लिफाफे च चिट्ठी भेजी पांच ग्रंथियां नूं हुक्म देता कि इत्थे साइन करके इशू बना दिओ सुना दिओ। उन्होंने सुनाता कि सौदे साध नूं माफ किया जा रहा, उसने निर्माणता नाल माफी मंगी सी, असी दीर्घ विचार करन तों बाद उहनूं छड्ड दिता। नाल इह वी लिख दिता कि अगे तों इहो जिहा सवांग नाल जावे। देखो किड्डा बेहूदा किस्म दा फैसला सुनाया, जे अगे तों सवांग ना रचावे तां इहदा मतलब पहिलां रचाया उसने। दसम पातशाह दी पवित्र अजमत दा मजाक उड़ाउण वाला बंदा उसनूं घर बैठे नूं छड्डता, जिन्हें साडे दर्जना मुंडे मरवाते जेलां चे तुरे फिरदे। एक लड़की सिख लड़की जिन्हों पंजाब पुलिस ने हरियाणा दे हरियाणा पुलिस दे अगे ऐ लाता जिवें गां ला दई दी कसाई आ गई, वह जेल कट के आई। तो ये इन्ने मेहरबान ने प्यो पुत्र इहदे ते राम रहीम ते, तो फैसला सुनाता उदों बाद कलेश पै गया, ये शहादतां हो गईआं। फिर बादल ने अपने आप नूं फसिया महसूस करके एक चिट्ठी उसने भेज दिती ग्रंथियां नूं कि तुसीं हुण आह फैसला ले लो। उन्होंने कहता जी असीं उह गुरमता वापस ले लिया। उह हुण जदों होर मिट्टी रुल गई फिर उन्हां ते दबाव पाया कि अस्तीफा दिओ, इन्हां दा मतलब प्यो पुत्तां दा कि असीं होर नवें ग्रंथी बना दईए। फिर वह ग्रंथी आकड़ गया कि सानू तो छित्र पवाते सारी कौम तो, असीं जिहड़ी कुत्ते खाणी होण डई आ असीं घरों निकल जोगे नहीं, तुसीं आ साडा रिजाइन मंग रहे हो। वह आकड़ गए। बादल ने मल सिंह तो ही मल्लिया जाके मंगिया रिजाइन आनंदपुर दे विच, तुसीं खबरां सुननी आ मिल नहीं आया, इहनूं सद्या मिल नहीं आया। इधरों इहदे पुत्तर नूं घर बुला के लालच दिते, उहने तां वी नहीं छड्डिया। इह जदों आकड़ गए फिर मक्कड़ ने ग्रंथियां तों इहदी बेइज्जती कराई, उन्हें तां वी नहीं छड्डिया। फिर जिहड़े पंज प्यारे जिहड़े अमृत संचार करन लई उहनां तों तलब करवा लिया, तो साडी कौम श्रद्धा दे विच अन्नी होई। पंज प्यारे करन लग पई वी इह ते गुरु साहब दे पंज प्यारे ने, जे इह पंज प्यारे गुरु साहब दे ते उह जिहड़े गुरबचन सिंह होणी उह किहदे ने, उह वी ते पंज प्यारे ही होंदे ने, पर हैगे बादल दे ने गुरु दे नहीं। तो इह पंज प्यारे ने की कहा, तलब किया जी असीं इह तुसीं गलत फैसला किया, असीं तलब कर रहे। मक्कड़ ने उन्हां नूं नौकरी तो जवाब देता मुअत्तल करता। वह कहिंदे जी असीं जो मर्जी होवे असीं काल तख्त ते जावांगे, असीं उन्हां दे उन्हां नूं तलब करांगे। वह टाइम ते आए, उन्हां नूं स्पीकर दिता गया, उन्हां दे अग्गे बंदे खड़े कीते जिकारे छड्डण वाले, उन्हां ने अपना सुनाया फैसला। फैसला की सुनाउंदे ने कि असीं अडीक करदे रहे गुरबचन सिंह दी जथेदारां दूसरिआं दी, पर उह आए नहीं, इस करके असीं एग्जैक्टिव नूं इह हुक्म दिंदे आ कि उह इन्हां ग्रंथियां नूं अस्तीफे लैके नौकरी तों वेला करे। मक्कड़ नूं एग्जैक्टिव नूं हुक्म दे रहे ने जिहड़ा जिहड़ा पहलां इन्हां नूं आप पंजां प्यारे नूं नौकरी तों कढ चुका, भी जे तुसीं उहदी नौकरी कढ़ी तों बाद वी तुसीं कहिंदे हो असीं पंज प्यारे, तां उह उहदी नौकरी तों किवें उहनां नूं किवें कढ दूगा? किन्ना मूर्ख बना रहे ने लोकां नूं अहे जी इन्हां तों अस्तीफे लै जाण। तो मक्कड़ ने अजे तक नहीं मंगिया अस्तीफा, इन्हां नूं फिर बहाल करता। तुसीं इह देखो ड्रामेबाजी, तलब करदे ने जथेदारां नूं ते हुक्म दे रहे ने एग्जैक्टिव नूं, जिहड़ी एग्जैक्टिव इन्हां नूं नौकरी तों कढ़न डई। तो फिर फैसला की होया, तलब करके कीता की? जे तुसीं तलब कीता तो घट्टो घट्ट उन्हां नूं जे उह नहीं आए, तुसीं तुहानूं विश्वास है कि असीं गुरु दे पंज प्यारे आ सानूं किसे दी कांड नहीं, तो फिर उहनूं तनखाइया करार दिओ पंजां नूं कि तुसीं नहीं आए तुहानूं तनखाइया करार दिता जांदा, जे तुसीं फिर भी नहीं आओगे तुहाडे खिलाफ असीं मर्यादा अनुसार तुहानूं 500 छेकांगे। कुछ होया नहीं होया? तो पंज प्यारे ये भी बादल दे ते वह भी बादल दे, केवल एको ही मर्यादा, पंज प्यारे दर्जना नहीं हुंदे, पंज प्यारे पंज ही रहिंदे। ये पंज प्यारे जिन्नी देर हैगे ने ये बादल दियां कमीजां दी तरह बदले गए, तुसीं देखिया। लेकिन किते गुरु खालसा पंथ कट्ठा होवे, सारे आल वर्ल्ड दे सिखां दी नुमाइंदगी करदा कट्ठ होवे, उहदे विच्चों पंज सिंघ चुणे जाण जिहड़े जिन्हां ते यकीन होवे संगत नूं कि वकाऊ नहीं, इन्हां दा जीवन ठीक है, ये किसी एक व्यक्ति दे नौकर नहीं,
ये गुरु केवल ते गुरु दे नौकर होंगे, परमात्मा दी नौकरी करेंगे, उन्होंने बिठाया जाए वह तलब कर सकते। पर सानू बेवकूफ बना बना के आ देखो सारी मूवमेंट अद्धे अद्ध चो वढ़ दित्ती बादल ने। लोग कहते जी ये पांच प्यारे ने, पांच प्यारे आ गए, पांच प्यारे आ गए। तो एक बड़ा वड्डा रोक कार लगी सी जिहड़ा हरी के पत्तन ते नाका लाया सी सिंघां ने, उत्थों कि हुण जान नहीं सी दिंदे। उन्होंने की कह के ये उत्थों हटाया अपना नाका जिहड़ा राह रोकिया सी। वो कहिंदे जी क्योंकि कमेटी ने बहाल करता पंजां प्यारिआं नूं, असीं नाका छड्ड रहे। बंदा पुछे भी तुसीं ये नौकरी वापस करवाउण लई नाका लाया सी? नाका ते लाया गुरु साहब जी का अदब सत्कार नहीं रहा, पवित्रता नहीं रही, किसे ने किते अग लाई, किसे ने किते बेअदबी कीती, किते गोली चली, किते सिख मर गए। नाका तो लगा इस करके ते छड्ड दिता इस करके, एक दो वकाऊ बंदे सारी कौम नूं किराए पा देंदे। अज यही हाल हो रहा। सुचेत होण दी लोड़ आ, इको एक फैसला होना चाहिए सिखां दा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बादल नूं नहीं देनी, वह तो खूह लैनी। अकाल तख्त आजाद होवे, गुरु दे पांच प्यारे आजाद होण ते सारी संगत आल वर्ल्ड विच बैठी संगत उन्हां नूं मानता देवे, वह पांच प्यारे होण। बादल अपने घर ड्रैंग रूम या बैडरूम च बैठा कोई ग्रंथी नियुक्त करके पांच प्यारे ना बनावे। तुहाडा यह निर्णय होना चाहिए कि जिन्नी देर तक बादल अपनी सीट ते बैठा उहदा परिवार राज करदा पिया, पंथक प्रणाली उन्होंने कब्जे च, उन्नी देर तक पंजां ग्रंथियां का बाईकाट करो, भावे वह कोई भी होण जिन्हां नूं बादल बनाउंदा उहदा बाईकाट करो, भावे पुराने होण भावे नवे होण। इन्हां दे जिले जथेदारां का बाईकाट करो, जिन्नी देर उह सुखबीर नूं ला के कोई नवा अपना टकसाली आगू नहीं बनाउंदे। इन्हां दे एमएलएआं दा बाईकाट करो, जे जिन्नी देर उह बादल नूं ला के अपना नवा लीडर नहीं चुन लैंदे। केवल 100 क बंदा बनदा, सारा पंजाब अपने अपने पिंडां च अपने अपने नगरां च नगर अपना रोज कीर्तन करो, कथा सुनो, लंगर लाओ, बनाओ छको। एक निर्णय कर लो कि असीं पिंड दे विच एमएलए नूं ते जिला प्रधान नूं नहीं बण देना जिन्नी देर तक अपने फर्जां की पूर्ति नहीं करते। अकाली दल दे प्यो दा नहीं, कमेटी दे प्यो दी नहीं, यह पंथ दीआं संस्थावां ने, यह परिवार उत्ते काबज होके साडी कौम नूं कुत्ते दी मौत मरवा रहा। इहनूं कोई राइट नहीं, इहनूं कोई हक नहीं होना चाहीदा। सो यह दृढ़ता जिहड़ी है तुहाडे च होऊगी तां यह असीं फैसले ते पहुंचांगे, नहीं ते साडे नौजवान इस तरह मरदे रहणगे। कौटी मोलना प्या ते ना गां पैणा, इन्हें ते नकली गुरुआं नूं पालना, पंथ दे बिहाफ ते पंथ दी कीमत ते खाता इन्हें गुरु रामदास दे दर नूं ते भौंकिया दुल्लियां दी दुकान ते, कदी राम रहीम दी, कदी नूर मेलिए दी ते कदी पनिहारां वाले दी। पनिहारां वाले ने अपने इहदे राज दे 17 दफा गुरु साहब दे सरूप साड़े, किते किसे नूं सजा मिली? कौम तड़फदी रह जांदी, धरने मारदी रह जांदी, गोलियां खांदी रह जांदी, पर इस बंदे दे कन्न ते जू नहीं सरकी कदी। यह सानू जकरिया खान नूं भैड़ा बंदा मिलिया जिन्हें नीला माणा पा के साडी कौम नाल द्रोह कीता। तो इहदा इको एक इलाज आ साध संगत जी, इहदा बाईकाट, मुकम्मल बाईकाट। इहदे किसे बंदे नूं जताओ ना, इसे किसे बंदे नूं वोट ना पाओ तां साडी कौम दा भला होणा। तो इह दृढ़ता तुहाडे च होऊगी ते साडा फायदा हो सकदा, वरना उही बार बार गल आ जांदी साडे नौजवान इस तरह मरदे रहणगे। किसी का ना मुल पिया तो ना पैना, तो ये जेडे तुसी मत्था टकाई तुहाडा इस तरह अकालिया के परिवार के ढिड पालदा रहूगा। तुसी हैरान हो गए प्रबंधक कमेटी के 350 के करीब मुलाजम ने जेडे इन्ह अकालिया लीडर के घर, अकाली लीडर के घर कोई ड्राइवर की सेवा कर दिया, कोई गनमैन की, कोई सेवादार की, कोई लांगरी की। एक एक लीडर के घर पांच पांच छे छे सेवादार काम करते पे ने, कोई ड्राइवर आ, कोई गनमैन आ, कोई सेवादार है, कोई लांगरी है। ते तनखा गुरु रामदास के खजाने चो मिलती, जेड़े जेड़े खजाने नूं तुसी भरदे। 350 के करीब 10,000 भी तनखा लाओ तो किन्ने लखां रुपये बन जाते ने। एक कालिया के सेवा दे विच तुहाडा खजाना खाली हुंदा जांदा। जिहड़ियां गुरु घर दीआं जमीनां ने
20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਤੀ 99 ਸਾਲ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਗਈ ਛੱਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਮਾਰਕੰਡੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਮਾਰਕੰਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 27 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਅਰਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਚੋਂ 24 ਏਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦਾ 69 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਰ ਤੋਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਾਦਲ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਕਾਂ ਬਣ ਕੇ ਚੰਬੜ ਗਏ ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਓਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਏ ਵਰਨਾ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।